हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। होम टेरेस गार्डनिंग में आपका स्वागत है। तुलसी को घना बनाने के लिए आज मैं ऐसे टिप्स बताऊंगी जो सूखी हुई तुलसी भी हरा भरा हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा तुलसी है, लेकिन गर्मी के दिनों में भी सभी तुलसियाँ मेरी हरी रही हैं। फोर्थ फ्लोर पे रहते हुए भी तुलसी हरी हो रही है, तो बहुत ही अच्छी उसकी ग्रोथ हो रही है। अभी भी देख सकते हैं, अभी बारिश का मौसम आ रहा है, तुलसी तो बहुत ही अच्छे से बन रही है। तो इसके लिए हमें कुछ टिप्स भी फॉलो करना पड़ेगा। जब हम लोग तुलसी का प्लांट लगाते हैं, तब हम मिट्टी चिकनी नहीं लेना है। मिट्टी चिकनी लेने से क्या होता है ना, उसके जड़े खराब हो सकते हैं, सख्त हो जाते हैं, अच्छे से ग्रोथ नहीं होती है, रूट बाउंड भी हो सकता है। तो हमें ऐसी मिट्टी का चुनाव करना है। एक्चुअली बेस तो मिट्टी ही है। जब हम लोग कोई भी मिट्टी में ऐसे लगा देते हैं तो ज़्यादा दिन तक प्लांट्स नहीं बनता है। आप देख सकते हैं मेरे इतने छोटे छोटे गमलों में तुलसी के प्लांट्स लगे हैं और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही बढ़िया बन रहे हैं। बस हमें क्या करना है, तुलसी के लिए अच्छे से मिट्टी होनी चाहिए। एक तो रेतीली मिट्टी होनी चाहिए। रेतीली मिट्टी होने से हमारे तुलसी का प्लांट बहुत अच्छा बनता है, जड़े अच्छे बनते हैं। और आजकल लकड़ी का भूसा, अरे बहुत ऐसे ऑप्शन है, जैसे धान है, धान का भूसा, गेहूँ का भूसा, गाँव शहर में आजकल ऑनलाइन सब कुछ मिलता है। बस हमें थोड़ी सी केयर करना पड़ता है। तो गेहूं का भूसा भी हम ले सकते हैं, या लकड़ी का जैसे भूसा रहता है, ये देख सकते हैं ये लकड़ी का भूसा, ये बारिश से गीला हो गया है। मैं सभी अपने प्लांट्स में डालती हूँ, मैं स्टोर करके रखी हूँ। ये पूरा अपना जब काम रहता है हमारे घर में फर्नीचर का, तो वैसे हम लकड़ी का भूसा भी स्टोर कर सकते हैं। और ये कोकोपीट का ही काम करता है, ये बहुत अच्छा रहता है। तो मैं अक्सर ये सब रखती हूँ, तो मेरे सभी प्लांट्स में कंपोस्ट में भी मैं भूसा डालती हूँ लकड़ी का। तो ऐसे ही हमें स्टोर करके रखना है। जब हम मिट्टी बनाते हैं उस वक्त ये सब डालना है। मिट्टी जब बनाते हैं तो रेतीली मिट्टी होनी चाहिए, उसमें रेत होनी चाहिए, अपने घर का गोबर का खाद, मिट्टी रहती है। अगर कोकोपीट नहीं मिलेगा तो आप भूसा भी डाल सकते हैं, या अपने मन से जो भी अपने घर में अवेलेबल होगा आप वो डाल सकते हैं। मिट्टी बेस अच्छा होगा तभी अपना प्लांट अच्छा बनेगा। उसके लिए मिट्टी तो हो गई है, लेकिन हमें उस तक मिट्टी में प्लांट लगा के नहीं छोड़ना है, हमें केयर भी करना है। उसके लिए अच्छे से फर्टिलाइज़र भी गरज है, तो बीच बीच में हमें फर्टिलाइज़र भी देना है। तो मैं अक्सर देती रहती हूँ। तो हमारे घर में चाय पाउडर रहती है, डेली हमारे घर में चाय पाउडर निकलती है। आप देख सकते हैं ये धोई वाली चाय पाउडर है, ये देख सकते हैं। मैं अक्सर सूखा के भी रखती हूँ, और डेली जो निकलती है उसको अच्छे से वॉश करती हूँ। 4-5 बार अच्छे से वॉश करिए, वो अपने मिट्टी में अच्छे से देना है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, अपने घर में फ्री का है। पहले क्या करना है, अच्छे से गुड़ाई कर देना है। ये देख सकते हैं जो भी हमारे प्लांट्स में ऐसे खरपतवार होगा वो सब निकाल दीजिए। चाय पाउडर तो सभी के घर में रहते हैं और सभी के यहाँ रहता है, और हम ये चाय पाउडर डस्टबिन में या पानी में चला जाता है। तो हमें आज के बाद ऐसा बिल्कुल ही ऐसे फेंकना नहीं है, उसका एक तो स्टोर करिए, नहीं तो अच्छे से धोइए और अपने प्लांट्स को डेली डेली 1 या 2 चम्मच दीजिए। चाय पाउडर को ज़्यादा देने की गरज नहीं है, हम 1-2 चम्मच भी 15-15 दिन के बाद देते हैं ना, तो हमारा प्लांट्स ऐसा ही ग्रोथ करता है। हेलो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे बॉक्स में तेल के डिब्बे में मैंने प्लांट्स लगाए हैं, बहुत ही अच्छा बन रहा है। ये सब मेरा जब मैं मिट्टी बनाती हूँ, भाई पहले तो अपने घर के कचरा डाल देती हूँ नीचे, क्योंकि मिट्टी का प्रमाण हमारे घर में कम रहता है। फिर उसके बाद मैं अपने अच्छे से वेल्डन मिट्टी बनाती हूँ, कुछ थोड़ा सा मिट्टी डालती हूँ, और जैसे जड़े बड़े हो जाते हैं, नीचे का जो कंपोस्ट रहता है, जैसे अपने गार्डन का सूखे पत्तियाँ वगैरह, कार्डबोर्ड के टुकड़े, वो सड़ के गल के अच्छे से हमारे प्लांट्स को, रूट्स को अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता है। तो मेरा यही एक फंडा है, पूरा गार्डन मेरा उसी से बना है, अपने घर के कचरा का जो भी मिलता है, जो भी हम लोग डालते हैं, तो अच्छे से मंजरी भी बनती है। हेलो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं मैं बीच बीच में इतनी ज़्यादा मंजरी तोड़ती हूँ ना, तो मेरे फ्रेंड्स के बोलते हैं आपके यहाँ इतनी मंजरी बनती, हमारे यहाँ आती ही नहीं, क्योंकि मेरी मिट्टी जो इतनी अच्छी वेल ड्रेन रहती है। आप देख सकते हैं मैं हमेशा मंजरी तोड़ती रहती हूँ, फिर भी देखिए कितनी भर भर के मंजरियाँ आ रही है, ये देख सकते हैं। तो ये है मेरा खाद का कमाल। हम जो अपने घर में जो न्यूट्रिशन वाला खाद देते हैं, लिक्विड देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, ये उसी का असर है। आप देख सकते हैं इतना बढ़िया इसका प्लांट्स बन रहा है। हेलो फ्रेंड्स,
जर हमें अच्छी सी हेल्दी तुलसी का प्लांट होना चाहिए तो हमें मिट्टी बेस अच्छा होना चाहिए, उसके बाद हमें फर्टिलाइज़र अच्छे देना है। गोबर की खाद तो सभी के यहाँ आजकल मिलती रहती है, गांव शहर में आजकल पूजा के जो दुकान में भी उपले मिलते हैं जो हम भगवान के लिए यूज़ करते हैं, धुआ धूप अगरबत्ती बनाने के लिए, तो वहाँ पे भी अपने को 10-10 रुपए के उपले मिलते हैं, वो वहाँ के उपले लेके हम स्टोर भी कर सकते हैं। तो मैं कुछ उसके भी फर्टिलाइज़र बनाती रहती हूँ हमेशा, उसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन रहता है गोबर की खाद में, मेरा पूरा गोबर का खाद वगैरह सब मैं देती रहती हूँ कि हमारे आज बाजू में घर है तो वहाँ से मैं 50-100 रुपए की बोरी ला के रख देती हूँ, साल भर मुझे अच्छे से वो गोबर का खाद का यूज़ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इतनी बढ़िया तुलसी का प्लांट हो रहा है। और हमें नुस्ते फर्टिलाइजर से होगा नहीं, भूसी भी बनाना है, घना भी बनाना है, तो तुलसी को क्या है ना घना बनाने के लिए सीधा सीधा बढ़ना से अच्छा नहीं रहेगा, तो हमें क्या करना हमेशा पिंच करते रहना है। आप देख सकते हैं मेरा इतना घना प्लांट्स है, कोई भी अपनी प्लांट्स देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया, ऐसे पिंचिंग करते रहना है। पिंचिंग करने से क्या है, ऐसे मंजरी भी तोड़ना है, ये अभी मैंने मंजरी नहीं आई है, मैं हमेशा तोड़ती रहती हूँ, जितना आप तोड़ेंगे ना उतना हमारा प्लांट्स अच्छा रहेगा। लेकिन ये मंजरी को भी फेंकना नहीं, इसमें भी जो सीड्स रहता है एक आयुर्वेदिक रहता है, उसमें जो छोटे छोटे बीज रहता है वो बीज को भी हम अपने डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, और इसको हमें भगवान को भी चढ़ाते हैं मंजरी, तो इसको भी यूज़ हो जाता है। और जैसे चाय पाउडर, जैसे ही हम ऐसे पिंचिंग करते हैं ऐसे छोटे छोटे पीसेस तुलसी के पत्ते निकलते हैं, हम चाय बनाने के लिए, काढ़ा बनाने के लिए, जैसे सर्दी खोखला भी खांसी का भी बारिश का मौसम है तो हमें चाय का काढ़ा हमेशा बनाना पड़ता है, तो हमें बस ऐसे पिंचिंग करते रहना है। तो पिंचिंग करते रहने से क्या होगा ना, देखिए यहाँ पे कितनी ब्रांचेस बढ़ी है, मैं अक्सर पिंचिंग करती रहती हूँ, बहुत सारे ब्रांचेस हुए हैं, तो हमें हमेशा पिंचिंग करते रहना है, तो ऐसी ही हेल्दी बनेगी तुलसी। हमारा दूसरा नुस्खा है, हेलो फ्रेंड्स, ये है बनाना का छिलका, मैं पाउडर भी बना के रखी हूँ, ये ऐसे सभी गर्मी जैसे बारिश हो रही इसमें पानी गिर गया है तो हम इसको बॉईल करके इसका पानी भी हमारे प्लांट्स को दे सकते हैं। केले के छिलके में सबसे ज़्यादा पोटेशियम नाइट्रोजन सब रहता है, ये तुलसी के प्लांट के लिए या सभी प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आप ये केले के छिलके, जैसे हम लोग मार्केट से केला लाते हैं उसको पानी में 2 दिन भिगो के रखे, वो लिक्विड हमारे पानी प्लांट को देते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम मिलता है। और हम कॉफ़ी दे सकते हैं, कॉफ़ी भी उसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन रहता है जो प्लांट्स के लिए अच्छा रहता है। मैं अक्सर सब कुछ देती रहती हूँ, लेकिन हम इतना एक साथ कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है, हमेशा गैप करके देना है, जैसे 10 दिन के बाद दूसरा, 15 दिन के बाद, ऐसे गैप करके देना है, नहीं तो क्या होगा ना सभी एक साथ हम कोई भी फर्टिलाइजर देंगे ना तो हमारे प्लांट अच्छे बने के भी जी खराब भी हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं कुछ गोबर के उपले के खाद बनाई है, ये देखिए मैंने 2 दिन पानी में इसको भिगो के रखी है, ये है गोबर के उपले रहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन रहता है, हम अपने दे सकते हैं। अभी बारिश का दिन है तो अभी हम दे नहीं सकते, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इसे दे रही हूँ क्योंकि बारिश का जो पानी आ रहा है वो सब बह जाता है। तो और तुलसी को हमें जब मिट्टी सूखी रहती है तभी पानी देना है, ज़्यादा गीली मिट्टी रहेगी तो पानी देने की गरज नहीं है, अभी तो बारिश का दिन है तो पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और एक हमारा घर में प्याज रहता है, ये प्याज का लिक्विड जो मैं बना के रखती रहती हूँ अपने प्लांट्स को देने के लिए, ये भी बहुत अच्छा रहता है, इसको भी 2-3 दिन पानी में भिगो के रखिए प्याज को, और ऐसा लिक्विड बनता है। बस हमें एक हिस्सा, जैसे हमने प्याज का लिक्विड लिया और 5 हिस्से अपना प्लेन वाटर ऐसे देके हमारे प्लांट्स को दे सकते हैं, और आप देख सकते हैं इतने सुंदर ऐसे रिजल्ट मिलता है मेरा। ये सब गार्डन जो फूलों का है ये सब मैं ऐसे बना के रखती हूँ, यही सब इसका यूज़ करती हूँ, तो देखिए इतना बढ़िया ये प्लांट बन रहा है। तो आप थोड़ा कुछ कुछ सामान को गोबर की खाद हुआ, चाय पाउडर है, अच्छे से स्टोर करके रखी है और हमेशा काम में आता है, जैसे केले के छिलके हैं धूप के दिनों में ऐसे सूखा के रखिए, पाउडर बनाइए और वो अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। बस ऐसी ही तुलसी हरी भरी रहेगी, और बीच बीच में पिंचिंग करते रहना है, मेन मुझे पिंचिंग करना है। पिंचिंग आप जितना ज़्यादा करेंगे ना, आप देख सकते हैं एक ही ब्रांच से मैंने पिंचिंग कर करके ये देखिए न्यू पत्तियाँ आ रही है, बस ये थोड़ी बड़ी हो जाती है ना फिर उसको फिर पिंचिंग करिए, ऐसे ही पिंचिंग करते करते ये प्लांट्स बहुत ही भूसी और घना
पौधा बहुत ही हेल्दी बनता है। जैसे अपने प्लांट्स के ऊपर कीड़ा पड़ता है तो हम स्प्रे कर सकते हैं हल्दी का, हल्दी भी बहुत ही अच्छा रहता है तो उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। अभी इतनी गरज नहीं है क्योंकि विंटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वेदर की वजह से, लेकिन अभी बारिश के दिनों में तुलसी जी के प्लांट्स बहुत बढ़िया बनता है। मेरा ऑब्जर्व वीडियो अच्छा लगा, थोड़ी सी टिप्स सबको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऐसे ही मैं आसान टिप्स आपको देती रहूँगी। एक बार मैंने अपने गार्डन का एक लुक दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया। बारिश हो रही है लेकिन बारिश की वजह से थोड़े से फ्लावर्स ना पानी की वजह से ये हो गए हैं। आज संडे है 28 जुलाई, मैं तारीख बता देती हूँ क्योंकि मैं आज ही शूट कर रही हूँ, क्योंकि डेली मेरे प्लांट्स को फ्लावर्स आते हैं। किसी को लगना नहीं चाहिए कि मैंने पुराना वगैरह वीडियो बनाया है, लेकिन नहीं, मेरा आज का डेट का है। तो देख सकते हैं इतने बढ़िया फ्लावर्स हो रहे हैं, तो एक लाइक ज़रूर करिए।